अच्छा चढ़ाई है भाई। अंकल जी जाते समय तो मजा लगा ना, कैसे लग रहा है? तो यहाँ पे पूजा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं पोशुराम में, पोशुराम कुंड में जाने वाले हैं अभी। तो साथ में है पल्लव गोय। तो हम दोनों अभी यहाँ से निकलेंगे पोशुराम कुंड की ओर। हम लोग कमलंग नदी में पहुंच चुके हैं। देखिए ये है कमलंग नदी है, नज़ारा देखिए भाई साहब, क्या ही सुंदर लग रहा है। और मौसम भी पूरा ठंडा ठंडा हो रहा है, पूरा धूप अभी थोड़ा सा निकल रहा है। अभी लगभग 12 बज गया शायद, तो काफ़ी लेट हो गया भाई निकलने के लिए, भी बारिश हो रहा था ना इसलिए तो लेट हो गया। तो अभी पूरा थोड़ा धूप भी निकल चुका है। तो अभी फिर यहाँ से निकलेंगे हम दोनों थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। अभी कुछ देर में हम लोग पहुँच जाएंगे पोशुराम बाबा के चरणों में। तो देखिए इधर में क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई। तूने छुआ, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए ये नज़ारा कुछ इस तरह से जाने का रास्ता है भाई। पोशुराम बाबा की जय, पोशुराम बाबा की जय। खुशी से देना बाबा। बाबा कहाँ से आए आप? अयोध्या। अयोध्या से? जय बाबा पोशुराम करा करे। हाँ बाबा, आप लोग से कुछ लेने को आया। ठीक है बाबा। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग चढ़ाई में चढ़ चुके हैं। जय पोशुराम बाबा की जय। भाई देखिए सब लोग पूजा करके आ चुके हैं, तो बाबा लोग बैठे हुए। तो यहाँ है मंदिर जाने का रास्ता, तो प्रसाद वसाद लेना पड़ेगा क्या? पूजा करके आएगा ना, तो ऊपर में जाना पड़ेगा, तो प्रसाद लेके आ जाएगा ना फिर। तो प्रसाद प्रसाद ले लिया भाई, निकलते। ओए ले लिया तुमने प्रसाद ही? ले लिया। ये भी है तो अंदर ने प्रसाद ले लिया। देखिए ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए वो नीचे से आए थे हम लोग, काफी चढ़ा है ना, और उधर जाना पड़ेगा। तुम्हें भी जाके आएगा बात में, वो तो के जाना पड़ेगा। कितना 1 किलोमीटर जैसे होगा ना? ज़्यादा है। वाह, 1 किलोमीटर जैसे ज़्यादा। 1 किलोमीटर वो 2 किलोमीटर जैसे आगे जाना पड़ेगा कुंड तक जाने के लिए। पूरा ठंडा हवा आ रहा है ना, ठंडा हवा, पूरा ठंडा हवा मारा यहाँ। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बहुत दूर से। हाँ अरे दूर, अरे दूर से थोड़ा तो ऐसे तार जा बोली। ओ वो उधर में ना, हाँ वो मिला है। आंटी लोग कहाँ से आए हैं? वाह देखिए यहाँ बंदर लोग है भाई। वाह देखो हनुमान जी लोग भी दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो ये देखिए नज़ारे, देखिए भाई कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे टीना पूरा लगा के रखा हुआ है कुंड तक जाने के लिए। यहाँ पे नहाने से पहले कपड़ा
चेंज करने का जगह है। तो अभी हम लोग किला कुंड में पहुंच चुके हैं। पल्लव अभी जाके हम लोग पूजा कर रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं कुंड में, देखिए पूरा भीड़ है भाई। अभी यहाँ हम लोग जाके पूजा वूजा कर लेंगे भाई। पूजा कर लिया हो गया, अभी हम लोग जाएंगे पूजा करके आना है भाई। ये बहुत भीड़ है। तो यहाँ पे पूजा करना है, यहाँ तरफ नहाने का जगह है। तो अभी हम लोग पूजा कर लेते हैं, पल्लव कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पूजा करने का जगह है भाई। यहाँ में रेडी करना पड़ेगा सामान। यहाँ पे पल्लव रेडी हो चुका है, पूजा पूरा। तो पूजा वूजा हो गया, अभी जा रहे हैं हम लोग वापस। काफ़ी देर हो चुका है, दोनों का पूजा वूजा हो गया, अभी निकल रहे हैं हम लोग। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, कपड़ा जमा हो रहा है। ये लोग कहाँ देते हैं वैसे कपड़ा को? ये तो यहाँ में, ये लोग वहाँ में डंपिंग एरिया है ना, वहाँ में रखेगा। फिर वहाँ से डस्टबिन लेने वाला जो गाड़ी होता है वो गाड़ी से लेकर जाएगा वो लोग। और अभी अभी फटेगा हम लोग का। हाँ आंटी अभी बैंड बजेगा ऊपर जाते हैं। अभी ऊपर जाते समय हम लोग का फटेगा भाई। आते समय तो इजी रहा भाई, क्योंकि सब डाउन है। पूरा आ रहे हैं सब लोग, सबका बेल बस। देखिए कितना ऊंचा चढ़ाई है भाई, लेकिन ये सीढ़ी वीढ़ी बनने के बाद थोड़ा आराम हो गया। पहले भी तो सीढ़ी भी नहीं था। अंकल जी जाते समय तो मज़ा लगा ना, रास्ते तो अभी ऊपर जाते समय कैसे लग रहा है? बहुत ही चढ़ाई है, थक गया। देखिए सब लोग आ रहे पूजा करने के लिए, आना जाना होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो अंकल जी परशुराम बाबा की, लखीमपुर से आया देखिए अंकल जी, पूरा लखीमपुर से आ गया बाबा जी का दर्शन के लिए ना। ठीक है अच्छा से आते समय ना बहुत चढ़ाई है, लेकिन चलो वही जाते हैं अभी। हाथ तो साहे पाई जाए ना मुझे। ये क्या है मालूम है इसको? इसको कंक्रीट पंप बोलते हैं। हाँ इससे पूरा जहाँ पे कंक्रीट करना है ये पाइपलाइन जोड़ देगा और वहाँ कंक्रीट होता है उसे। तो भाई पूरा सांस फूल गया भाई। तो परशुराम बाबा का दर्शन वर्शन भी हो गया, पूजा वूजा भी करके आ गया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा है। तो आज के ब्लॉग को बस ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।